इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और 13 ही बार फेल गए। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा इसलिए। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद से ही राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं। कभी सदन में राहुल गांधी विपक्ष पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, तो कभी विपक्ष राहुल गांधी को घेरे नजर आ रहा है। बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया है। इस दौरान शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार गरीब महिला कलावती के घर भोजन करने गए थे और उसके बाद उन्हें भूल गए थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जिस कलावती का जिक्र किया उसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी कलावती के घर भोजन करने गए थे। इसके बाद उन्होंने सदन में उनकी गरीबी का दारुण वर्णन भी किया था। इसके बाद उनकी सरकार 6 साल चली, लेकिन मैं पूछता हूं कि उनकी सरकार में उस गरीब महिला कलावती के लिए क्या किया गया? क्या उस कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज और स्वास्थ्य सेवा दिया गया? ये सब देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको बताते हैं कि कौन है कलावती। जिस कलावती का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा के दौरान किया वह महाराष्ट्र के यवतमाल के जालका गांव की रहने वाली है। ये वही इलाका है जो किसानों की आत्महत्या के चलते खबरों में आया था और इसी कर्ज को ना चुका पाने के चलते कलावती के पति ने आत्महत्या कर ली थी। तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने साल 2008 में कलावती के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद से कलावती कर्ज में डूबे किसानों का चेहरा बन गई थी और वह चर्चा में आ गई थी। उनकी खबर राष्ट्रीय मीडिया में आने के बाद उन्हें देश भर से मदद मिलने भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्हें 30 लाख की आर्थिक मदद भी मिली थी। राहुल गांधी के कलावती के घर पहुंचने के बाद कलावती को सुलभ इंटरनेशनल से 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली थी। यह पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवाई गई थी। इससे कलावती को अपने 4 बच्चों की पढ़ाई पूरा करने और उन्हें आरामदायक जीवन देने में मदद के लिए 25,000 रुपए का मासिक ब्याज मिलना शुरू हो गया था। वहीं बाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी कलावती की 1 लाख रुपए की मदद की थी। हालांकि कलावती ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी उनसे मिले थे और उन्होंने उनकी गरीबी को दूर कर दिया है। बता दें, पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात की थी। लेकिन सच्चाई क्या है? सदन में राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे अमित शाह की बात सच है या राहुल गांधी ने वाकई में कलावती की गरीबी को दूर किया है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।